हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज हो गया था थोड़ा पोपट पोपट ऐसा कि हमारी थोड़ी समस्या आ गई थी। इसमें इसका बेयरिंग है जो टूट गया था, चूरा गया मतलब। तो हमने इसको खोला, खोलने के बाद में इसको मैकेनिक के पास ले गए, वहीं पे सही करवाया। और इसके बाद में हमको थोड़ा काम करना था, क्योंकि मैं आया हूँ अभी सिस्टर के यहाँ पर। तो उनका यहाँ पर ज़मीन में कल्टीवेटर निकालना, वो निकाल के फिर मैं जाऊँगा घर। तो उनके पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, तो उन्होंने दूसरा से मदद ली है कल्टीवेटर की। ये 5 टाइम का, ये 7 टाइम का, हम ले जाएंगे 7 टाइम का। ये इधर है पाल चढ़ाने वाला यंत्र, और मैं टॉप लिंक ले आया था घर से। अब इसको ज्वाइन करने के बाद में ले जाएं बस। नहीं जो तो पुरानी वह है जो 5 पंजे की है, जो 7 पंजे की है। तो का के फायदो 7 वाली दिखला, ऐसे बारीक होए वो खेत थोड़ा सही। तो या कहीं मालूम के किलो तो टी-शर्ट लाओ तो उन कहीं की कहीं भी नहीं की कहीं कहीं पूछो ही तो नहीं, तो कहीं भी नहीं की पूछ लेने, तो कहीं भी नहीं पूछी है। दो मारे एक ही दिखाई थी वहां से, एक पूछी होगा एक बक्सर होगा। मैं उनसे पूछ लूंगा कौन सी लिखना ले आएंगे, पूछ के ले चलो। भले तो कहीं नहीं वस्ते साथ के ले चलो। और कहीं सुन, साथ के से बारीक ज्यादा होएगा खेत, अब साथ के लेके चलो। चलो तो दोस्तों, हम लेके जा रहे हैं 7 टाइन वाली बखर कल्टीवेटर। इसका खेत है लाइक भाई, ये बोल रहा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। लो करो पीछे ये ऊपर कर दे या डाबलिंग डाबलिंग बीच का नीचे का तो नहीं है, वो ऊपर और नीचे ही है बस। हम लोग पिन उनकी है, हाँ पिन भी उनके खिलना भी उनके। चलो ठीक है, तो दोस्तों हम जा रहे हैं खेत पर, वहीं पे दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर, और हालत थोड़ी मेरी ऐसी हो रही, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो गई है। 4-5 दिन से थोड़ा ऐसे मंदा चल रहा है, हालत भी ख़राब है। और पीछे आ रहा अपना रेड बुल, और दीदी के यहाँ पे है तो उनका थोड़ा काम उम था, वो काम उम सारा कर दिया है। अब लास्ट में थोड़ी सी उनके पास ज़मीन है, उसको उसमें कल्टीवेटर चलाना था, तो कल्टीवेटर चला रहे हैं। आपको पास से दिखाते हैं कैसा क्या। 7 टाइम का है, 7 टाइम का पत्थर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।